तो दोस्तों, जैसे आपने 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखी थी, सातवां चैप्टर, उसी की तरह हमारे पास सेम टू सेम एक लेसन है हमारे पास 11th क्लास में, जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन। तो क्या होता है ये स्ट्रेट लाइन? किसी भी लाइन की अगर स्लोप निकालनी हो तो स्लोप ऑफ लाइन हम कैसे निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकाल सकते हैं, ये किसी भी स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, ये हमारे पास अगर किसी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना हो तो वो क्या होता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट निकालने हो तो वो क्या होते हैं, इन सभी क्वेश्चनों के जवाब आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना बस। तो देर किस बात की, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स भाई मोहित शर्मा में, और वीडियो को पूरा देख लेना बस, क्योंकि वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका स्ट्रेट लाइन का पूरा टॉपिक क्लियर करा दूंगा डंके की चोट पर। लो जी दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी वीडियो और देखते हैं सबसे पहले कि स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है। जब हमारे पास चैप्टर आता है तो सबसे पहले हमें उस चैप्टर का नाम जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपने उस चैप्टर का नाम ही नहीं सीखा तो आपने ये सोच लो कि आगे कुछ भी नहीं सीखा। तो सबसे पहले हमारी वीडियो में हमेशा, सिर्फ ये नहीं, हर एक जो चैप्टर होगा सबसे पहले उस चैप्टर का नाम क्लियर करेंगे कि उस चैप्टर का नाम का मतलब क्या है, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर उस चैप्टर के नाम के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो सबसे पहले देखते हैं इस स्ट्रेट लाइन का मतलब। तो इस स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई तीन पॉइंट गिवन हो, जैसे ये पॉइंट गिवन हो, ये पॉइंट गिवन हो, या ये पॉइंट गिवन हो, तो अब ये कहे कि इसकी स्ट्रेट लाइन बनाओ। तो स्ट्रेट लाइन का दूसरा नाम होता है हमारे पास शॉर्टेस्ट लाइन। क्या नाम होता है? शॉर्टेस्ट लाइन। स्ट्रेट लाइन का एक दूसरा नाम निकल कर आया शॉर्टेस्ट लाइन। तो इन तीनों पॉइंटों के बीच में जब तीनों को मिलाकर जब हम एक डिस्टेंस बनाएंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या निकलेगा, ये निकलेगा हमारे पास। तो जो हमारे पास अब ये लाइन निकल कर आई, इसी लाइन को हम नाम क्या देते हैं, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इसको भी। तो जो ए बी होगी हमारे पास, वो ए बी क्या होगी हमारे पास, उसकी स्ट्रेट लाइन होगी। क्या लाइन होगी? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब समझ में आया। स्ट्रेट लाइन का दूसरा नाम होता है हमारे पास द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द स्ट्रेट लाइन और शॉर्टेस्ट लाइन। बात समझ में आई कि शॉर्टेस्ट लाइन या स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है। अब लगा लो कि इन दो पॉइंटों के बाद हमने जो ए और बी से जो लाइन बनाई है, उन दो पॉइंटों के हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट मान लिए एक्स वन और वाई वन, क्लियर। इसके कोऑर्डिनेट मान लिए हमने एक्स टू और वाई टू, क्लियर है। तो जैसे हमने 10th क्लास में सीखे थे, तो सबसे पहला जो टॉपिक होता है हमारे पास स्ट्रेट लाइन का, वो होता है डिस्टेंस ऑफ लाइन। कहने का मतलब ए बी का अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, जैसे 10th क्लास में सीखा था, जिसको हम नाम देते थे हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला, वो क्या होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन उसका होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन और उसका होल स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला निकल कर आया हमारा, इसको नाम देते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला। क्या नाम देते हैं? डिस्टेंस फार्मूला, जो हमने 10th क्लास में सीखा था, लेकिन रिवाइज हो जाएगा क्योंकि इस क्लास में भी हमारे पास ये यूज होगा ये फॉर्मूला। तो दूसरा फॉर्मूला अगर क्या है कि ये जो तीसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट इस लाइन के ऊपर ही मौजूद हो, यहां मान लिया सी, और इसके कोऑर्डिनेट हो एक्स और वाई, और हमें ये कहे कि ये जो पॉइंट है ये इस लाइन को एम वन रेशो एम टू में कट कर रहा है इसको। तो हमने सीखा था कि जब हमारा कोई भी पॉइंट किसी लाइन को एम वन इंटू एम एम वन रेशो एम टू में उसको डिवाइड करता है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला यूज होता है, जिस फॉर्मूले का नाम होता है सेक्शन फॉर्मूला। तो उस सेक्शन फॉर्मूले को क्या नाम देते हैं, जैसे हमारे पास एक्स निकालना हो, सी पॉइंट का अगर एक्स निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते थे, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, ऐसे निकालते थे। और अगर y निकालना हो C पॉइंट का तो हम कैसे निकालते थे, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, क्लियर। लेकिन इस सेक्शन फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सपेंड किया गया है 11th क्लास में। जो हम ये फॉर्मूला यूज करते थे, ये फॉर्मूला था हमारा इंटीरियर पॉइंट का। किस पॉइंट का? इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट का मतलब क्या होता है कि वो जो पॉइंट है वो इसी लाइन के अंदर बिलोंग कर रहा है। जैसे हमारे पास ये पॉइंट है, ये इसी लाइन के अंदर है, लेकिन अगर वो पॉइंट हमारे पास क्या हो, एक्सटीरियर हो। एक्सटीरियर का पॉइंट मतलब होता है कि वो पॉइंट हमारा इस लाइन के थोड़ा सा बाहर हो, जैसे यह हो सकता है, यह हो सकता है ऐसे। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका भी हमारे पास एक फॉर्मूला निकलता है सी ऑफ एक्स निकालने का। क्या होता है कि यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाता है बस। क्या फॉर्मूला होगा कि एम वन एक्स टू माइनस
एम टू एक्स वन डिवाइडेड बाई एम वन माइनस एम टू। और अगर इसी तरह हमें वाई निकालना हो तो क्या होगा कि एम वन वाई टू माइनस एम टू वाई वन डिवाइडेड बाई एम वन माइनस एम टू। तो ये जो हमने फार्मूले बताए दो एक्स और वाई निकालने के, जिसमें हमारे पास माइनस आता है, वो हमारा होता है जब पॉइंट क्या हो, एक्सटीरियर पॉइंट हो। कई बार क्या होता है कि इस लाइन से हमें बाहर या मिल गया इस तरह पॉइंट मिल जाता है, और उसके हमारे पास क्या होता है, रेशो तो गिवन होते हैं लेकिन वो पॉइंट हमारा एक्सटीरियर होता है, लाइन के अंदर नहीं होता। तो जब हमारा पॉइंट लाइन के अंदर नहीं, एक्सटीरियर होगा, बाहर होगा, तो उसके लिए हम ये माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर हमारा पॉइंट इंटीरियर या उसके अंदर होगा तो हम फार्मूला यूज करेंगे ये प्लस वाला। बात समझ में आई? ये डिस्टेंस फॉर्मूला, ये हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला, जो सेक्शन फॉर्मूला था वो दो भागों में बांट दिया, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। बात क्लियर? ये दो फार्मूले तो हमने क्या सीखे थे, टेंथ में भी सीखे थे। अब तीसरा फार्मूला क्या था, तीसरा फार्मूला हमने जो टेंथ में ही सीखा था वो क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। क्या कि अगर हमारे पास तीन पॉइंट गिवन हो इस तरह, और वो तीनों पॉइंट हमारी एक ट्रायंगल के जो पॉइंट हो उनको दर्शाते हो, जैसे एक्स वन वाई वन, दूसरा पॉइंट हो हमारे पास बी पॉइंट एक्स टू वाई टू, और तीसरा पॉइंट हो हमारे पास सी पॉइंट जिसको नाम दिया एक्स थ्री और वाई थ्री। तो अगर इस ए बी सी ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था, इसका फॉर्मूला था हाफ इंटू एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू y3 थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू। और इसका होता है हमारे पास मोड। मोड का मतलब यह होता है कि जब हमारा एरिया, लेंथ, इन सब का ही मोड होता है। जब हमारा एरिया या डिस्टेंस निकालते हैं तो वो अगर हमारे पास बाई चांस नेगेटिव निकल आता है तो उस नेगेटिव को हम क्या कर देंगे, उसके ऊपर मोड लगाकर उसको पॉजिटिव बना देंगे। ये फार्मूला हमने सीखा था। इसके साथ साथ हमने एक फार्मूला और सीखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये भी हमारा क्या होता है, किसी ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। क्लियर? जब हमारे पास इस तरह के पॉइंट गिवन हो, अब जैसे पॉइंट, जैसे एग्जांपल लें तो जैसे हमारे पास एक्स वन हो टू और वाई वन हो थ्री, और ये हमारे पास हो जीरो और ये भी हमारे पास क्या हो जीरो, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा कि टू में से जीरो लेस करके उसका स्क्वेयर, टू में से जीरो लेस करेंगे टू उसका स्क्वेयर हो जाएगा फोर, प्लस थ्री में से जीरो लेस करेंगे थ्री उसका स्क्वेयर हो जाएगा नाइन, फोर और नाइन हो गया हमारे पास रूट थर्टीन। तो ये डिस्टेंस निकलाया। इस तरह हमें क्या करना होगा, सिर्फ उन एक्स वन वाई वन एक्स थ्री को पुट करना होगा, बाकी कुछ भी नहीं है। जब हम एक एग्जांपल लेंगे इन सभी के तब उसको सोल्व कराएंगे। उससे पहले अब चलता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट इलेवंथ क्लास के टॉपिक की तरफ, क्योंकि ये तो थे टेंथ के जो हमने आराम से रिवाइज कर लिए। अब टेंथ क्लास का, सॉरी इलेवंथ क्लास का जो पहला टॉपिक है स्ट्रेट लाइन का, वो होता है सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का टॉपिक, जिसका नाम होता है स्लोप ऑफ ए लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है कि इसको आप नोट कर सकते हैं, स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है समझाते हैं। देखो इसको मिटा देते हैं। अब चलते हैं हमारे पास एक नए टॉपिक की तरफ, जो हमारे पास आपके लिए सबसे नया होगा, और उसका नाम है हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन। क्या नाम उसका, स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ लाइन का मतलब क्या होता है, देखो स्लोप ऑफ लाइन, किसी लाइन की स्लोप। तो आपने कई बार क्या होगा कि एक एग्जांपल सुना होगा, क्या एग्जांपल, कि जैसे हमारे पास थोड़ी ढलान होती है, ऐसे रैंप बोलते हैं जिसे, तो उसको ही हम क्या नाम बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो जैसे हमारे पास ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, तो जितना एंगल हमारा एक्स एक्सिस से ऊपर होगा ना, जैसे हमारे पास एक लाइन ये है स्ट्रेट लाइन, अगर ये कहे कि स्ट्रेट लाइन की क्या होगी हमारे पास स्लोप बताओ क्या होगी, तो इसकी जो स्लोप होती है वो ये थीटा होता है। देखो ये थीटा, इस थीटा को ही हम नाम क्या देते हैं, अगर इस थीटा को हम टेन थीटा की फॉर्म में ले लेते हैं, टेन थीटा, जो हमारे पास थीटा गिवन हो उसको हम टेन थीटा की वैल्यू टेक कर जो वैल्यू निकालेंगे उसको ही नाम देते हैं एम। एम मतलब होता है हमारा स्लोप ऑफ लाइन। एम किससे डिनोट करते हैं, एम को डिनोट करते हैं स्लोप ऑफ लाइन से। क्लियर? जैसे हमारे पास ये एंगल सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग होना चाहिए एंगल, ये एक्स एक्सिस से कितना ऊपर होगा, इतना ऊपर होगा, तो जितना ऊपर ये एक्स एक्सिस से होगा वो थीटा, अगर हम टेन थीटा में उसकी वैल्यू निकाल देते हैं तो एम इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, एम इज इक्वल टू टेन थीटा निकल कर आया। तो हमें पता चला कि जो स्लोप होती है वो क्या होती है, द एंगल ऑफ टेंजेंट थीटा।
कि हम टेन में जो एंगल निकालते हैं, अपने ट्रिग्नोमेट्री सीखी थी टेंथ क्लास में कि जो हम टेन में एंगल निकालते हैं, और थर्ड चैप्टर भी सीख लिया, तो उसका नाम क्या होता है हमारे पास, एम। लेकिन लेकिन अगर लगा लो कि ये लाइन हमारे पास क्या हो, यहाँ की बजाय यहाँ बिलोंग करती है, तो हम कैसे निकालेंगे? अब हमारे पास एक्स क्या होगा, थीटा क्या होगा, अब थीटा सिर्फ ये नहीं होगा, अब थीटा होगा ये पूरा का पूरा थीटा। तो उसको क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये गिवन हो 30, तो हम क्या करेंगे, पहले तो 90 ऐड करेंगे, तो 10 में वैल्यू निकालेंगे 90 प्लस 30 की। अब हमें पता है 90 पे चेंज होता है कोट में, और 10 सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो माइनस का कोट 30 और माइनस का रूट 3, कोट 30 की वैल्यू रूट 3, क्लियर। इस तरह हम स्लोप निकालेंगे। अब ये मत समझ लेना कि स्लोप इस वाई एक्सिस के अलोंग नहीं, हमेशा स्लोप होती है हमारी एक्स एक्सिस के अलोंग की, वो एक्स एक्सिस से कितना ऊपर एंगल घूम के जा रहा है, क्लियर है। इसको ही नाम देते हैं हम स्लोप ऑफ इक्वेशन। या हमारे पास ये तो थी एंगल की बात, अब हमें कोई स्ट्रेट लाइन गिवन हो ऐसे, और इसके पॉइंट हो हमारे पास एक्स वन वाई वन, और इसके पॉइंट हो एक्स टू और वाई टू, क्लियर। इस पॉइंट को नाम दे दिया ए, इसको बी। अगर हमारे पास दो पॉइंट गिवन हो किसी भी लाइन के, तो स्लोप हम कैसे निकाल सकते हैं? तो भी हम स्लोप निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला यूज होता है, मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला एम निकालने का। एम इज इक्वल टू होता है हमारे पास वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, क्लियर। कि स्लोप निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला आया, क्या, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। जैसे हमारे पास ये पॉइंट गिवन हो टू वन, और ये पॉइंट गिवन हो थ्री और टू, क्लियर। तो हम कैसे निकालेंगे, हम वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू कितना है टू, माइनस में वाई वन कितना है वन, डिवाइडेड बाई एक्स टू कितना है थ्री, माइनस में एक्स वन कितना है टू, टू में से वन गया वन, थ्री में से टू गया वन, वन से वन कैंसिल वन बचा, तो हमारे पास एम क्या निकला, वन, क्लियर। ये होता है हमारे पास स्लोप ऑफ ए लाइन, क्लियर है। अब इसी के साथ साथ एक टॉपिक और कराने वाला हूँ। स्लोप तो हमने सीख लिया कि स्लोप क्या होता है, कि टेन थीटा होता है स्लोप, एक्स एक्सिस के लोग जो थीटा मिलेगा उसको टेन में वैल्यू निकाल देंगे तो स्लोप निकलाएगी। या हमारे पास क्या हो, जब दो पॉइंट गिवन हो उसकी हमें स्लोप निकालनी हो, तो क्या होगी कि वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, क्लियर। यह होती है स्लोप। लेकिन अब बात करेंगे एक लाइनों की, कि वो लाइन क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे पास लाइन, कि किसी भी लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी हो तो उस इक्वेशन का क्या मतलब होगा। तो ये तो हमारा 10.1 का जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया। 10.1 में इससे बाहर हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के बेसिक की तरफ, कि वो क्या होता है, क्लियर है। फिर हम इसके क्वेश्चन भी डिनोट करेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन क्या होंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं, बेसिक पार्ट करते हैं। तो अब चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। स्लोप ऑफ लाइन के बाद एक टॉपिक आता है हमारे पास, इक्वेशंस ऑफ लाइन, इक्वेशंस ऑफ लाइन। तो हमने इस चैप्टर में कितनी इक्वेशन सीखनी होगी, हमें इस चैप्टर में सीखनी होगी इक्वेशन 3। कौन कौन सी इक्वेशन सीखनी होगी, वो सबसे पहले स्लोप का ही मैटर खत्म कर लेते हैं। तो स्लोप जो होती है वो लाइन में ही डिनोट करती है। कैसे, जैसे हमारे पास स्लोप अगर दो लाइन पैरेलल हो ऐसे, ये मान लिया कि ये दो लाइन ए बी और सी डी हमारे पास क्या है, दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल है, तो जो स्लोप इसकी होगी ना, स्लोप ऑफ ए बी, वो इक्वल होगी किसके, स्लोप ऑफ सी डी के। कहने का मतलब ये है कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उन दोनों पैरेलल लाइन का जो स्लोप होती है वो बराबर होती है। क्यों, क्योंकि जो अगर पैरेलल लाइन है तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो चेंज ही नहीं होगा। जितना एंगल ये है जीरो या कांस्टेंट, वही इसका एंगल होगा। दो पैरेलल लाइनों के बीच का एंगल कभी भी चेंज नहीं होता है। तो अगर एंगल ही चेंज नहीं होगा तो उसका टेन थीटा चेंज नहीं होगा, अगर टेन थीटा चेंज नहीं होगा तो उसकी स्लोप चेंज नहीं होगी। तो जब लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो उन दोनों पैरेलल लाइनों का जो स्लोप होता है दोनों की, वो इक्वल होती है। बात क्लियर, कि स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल। अब अगर बात करें कि एक लाइन हमारे पास किसी दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हो, ये ए बी ये सी डी, तो क्या होगा कि जो हमारी स्लोप ऑफ ए बी होगी ना, स्लोप ऑफ ए बी, और उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें स्लोप ऑफ सी डी से, स्लोप ऑफ सी डी से, तो उसकी वैल्यू निकल कर आती है माइनस का वन। कहने का मतलब ए बी की स्लोप ए बी ऑफ एम, एम मतलब स्लोप, और सी डी की स्लोप ऑफ एम,
और वो बराबर होगा माइनस वन के। तो एक जब यहाँ से हम ए बी की स्लोप निकालेंगे तो हमारे पास क्या आया, माइनस वन अपॉन सी डी की स्लोप। क्लियर, यही आया ना। तो हमें एक बात पता चली कि जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो एक की स्लोप उस दूसरे की रेसिप्रोकल होती है, नेगेटिव रेसिप्रोकल। कि अगर हमारे पास इस लाइन की स्लोप गिवन हो, लगा लो इस लाइन की स्लोप है टू, तो इस लाइन की स्लोप पूछे तो क्या होगी, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, कहने का मतलब माइनस वन अपॉन टू हो जाएगी इसकी स्लोप। क्लियर है। तो एक जब लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो उन दोनों लाइनों की जो स्लोप होती है वो एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो इसका एंगल होगा ना वो इसके एंगल से अपोजिट होगा। हमारे पास पैरेलल लाइन में क्या होता था, पैरेलल लाइन में दोनों के बीच का जो एंगल था वो सेम आया, सेम होता था हमेशा। अगर एंगल सेम तो टेन थीटा सेम था, टेन थीटा सेम था तो स्लोप सेम थी। लेकिन अगर यहाँ ना एंगल इक्वल है ना टेन थीटा इक्वल है तो इनकी स्लोप भी इक्वल नहीं होगी। तो इनकी स्लोप के बीच में एक रिलेशन पाया जाता है और उस रिलेशन का नाम ये होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन्स आर ऑलवेज इक्वल टू माइनस वन। अगर यहाँ से निकालेंगे तो वन स्लोप ऑफ वन लाइन इज द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ अनदर लाइन। बात समझ में आई, ये होता है स्लोप का फंडा जब लाइन आपस में पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो। क्लियर। अब चलते हैं इन पैरेलल परपेंडिकुलर लाइनों की इक्वेशन की तरफ। जैसे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इक्वेशंस ऑफ ए लाइन, इक्वेशंस ऑफ लाइन। तो इक्वेशंस ऑफ लाइन का मतलब क्या होता है कि एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला होता है हमारे पास, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये क्या होता है, ये किसी भी लाइन को निकालने का एक जर्नल फॉर्म होती है जिसमें हमारे पास देखो m है, एक्स वाई में तो हमारे पास इक्वेशन मिलेंगी, जैसे हमारे पास टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो ये x और y तो क्या होता है, हमारे पास वेरिएबल होते हैं किसी भी इक्वेशन को डिनोट करने के। लेकिन अगर ये बात करें इस वाई वन एक्स वन और इस m की, तो हमने m तो सीख लिया, m क्या होता था हमारे पास किसी भी लाइन की स्लोप होती थी, सीख ली। अब ये x1 और y1 क्या होते हैं, इन x1 और y1 को नाम देते हैं हम पासिंग पॉइंट्स। क्या नाम देते हैं, पासिंग पॉइंट्स। अब इन पासिंग पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि लगा लो कोई लाइन हमारे पास ये है, ये पॉइंट मान लिया x1 और y1, जो ये ए बी लाइन है हमारे पास, ये ए बी लाइन अगर पास कर रही है इसमें से तो सीधी सी बात है ये जिस लाइन में से पास करेगी ना वो एक्स वन वाई वन होंगे। कहने का मतलब यहाँ पुट कर देंगे उनको जब हमारे पास स्लोप भी गिवन होगी। लेकिन लगा लो कि ये पासिंग पॉइंट हमारे पास ये दोनों पॉइंट है एक्स वन वाई वन और ये हो गया हमारे पास एक्स टू और वाई टू। क्लियर है। तब हमें किसी भी लाइन की अगर इक्वेशन निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें सीधा सा फंडा है क्या, वाई माइनस वाई वन, इन पॉइंटों को कोई सा भी हम पासिंग पॉइंट लेकर यहाँ पुट करेंगे। लेकिन जब हम m पुट करते हैं तो m की जगह क्या लिखेंगे हम, y2 टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। बात समझ में आई कैसे, कि देखो x1 y1 पासिंग पॉइंट तो ये मिल गया, इसमें से पास हो रही है हमारी लाइन, और हमारे पास स्लोप किसी लाइन का हम कैसे निकाल सकते थे जब हमारे पास दो पॉइंट गिवन होते थे कि y2 टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसी लाइन का हमने थोड़ा सा रिड्यूस्ड कर दिया जब हमारे पास दो पॉइंट गिवन हो। क्लियर। ये होती है किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने का फार्मूला की जर्नल फॉर्म, कि किसी भी लाइन की अगर हमें इक्वेशन निकालनी हो जब हमारे पास दो पॉइंट या हमारे पास स्लोप और पासिंग पॉइंट गिवन हो। जैसे हमारे पास क्या कहे कि ये एक लाइन है जो टू और थ्री से पास हो रही है, बोल दे कि एक लाइन हमारे पास क्या है जो टू और थ्री से पास होकर जा रही है और जिसकी स्लोप है हमारे पास माइनस का टू। ये गिवन हो कि स्लोप माइनस टू है और पासिंग पॉइंट ये है, तो उनकी इक्वेशन निकालनी हो तो क्या करेंगे, वाई माइनस वाई वन, वाई वन कितना है थ्री, इज इक्वल टू एम, एम कितना है माइनस टू इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन कितना है टू। जब इसको सोल्व करेंगे वाई माइनस थ्री माइनस टू एक्स और माइनस माइनस प्लस का फोर, इस टू एक्स को इधर ले आते हैं तो टू एक्स प्लस का वाई, ये फोर इस साइड आएगा माइनस का फोर और थ्री में ऐड करेंगे माइनस का सेवन इज इक्वल टू जीरो। ये बन गई इसकी इक्वेशन। तो जब हमारे पास इस तरह पासिंग पॉइंट या स्लोप या टू पॉइंट दे रखे हों तो उनकी इक्वेशन हम इस तरह निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वो ये कहे, देखो इस और किस तरह क्वेश्चन पूछेगा वो अगर ये कह दे, देखो
वो ये कहे कि हमारा जो पासिंग पॉइंट है ना वो तो ठीक है कि ये लाइन देखो इसमें से जा रही है टू और थ्री में से पास करके इसमें से, लेकिन ये लाइन क्या है इस लाइन के परपेंडिकुलर है और इस लाइन की हमारे पास स्लोप गिवन है, इस लाइन की स्लोप है एम है इस लाइन की माइनस का टू, क्लियर है। अब ये कहे कि इस ए बी की इक्वेशन बताओ ए बी की इस लाइन की, तो क्या करेंगे देखो हमें इस लाइन का पासिंग पॉइंट तो पता है तो एक्स वन वाई वन तो हमें पता है, लेकिन इस लाइन की हमें स्लोप चाहिए और स्लोप दो पॉइंटों के बिना नहीं निकलती है, लेकिन हमें इस लाइन की स्लोप तो पता है। अब हमने एक रिलेशन सीखा था कि अगर किसी परपेंडिकुलर लाइन की हमें स्लोप निकालनी हो तो इस लाइन की जो स्लोप है उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दो, तो इस लाइन की स्लोप क्या आ जाएगी हमारे पास, जब इस लाइन की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 निकलेगा ना पॉजिटिव का, तो स्लोप मिल गई और पासिंग पॉइंट मिल गई, था क्या कुछ नहीं, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू 1/2 एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, इसको सोल्व कर लो बस, क्लियर। या ये कहे कि हमारे पासिंग पॉइंट गिवन है और इसकी जो स्लोप है वो उस लाइन के पैरेलल है, तो पैरेलल है तो जो उसकी स्लोप होगी वही इसकी स्लोप होगी, क्लियर है। इस तरह हम किसी भी स्लोप या किसी भी इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। तो ये फंडा था हमारे पास एक्सरसाइज दो का, कहने का मतलब हमने क्या क्या सीखा, स्लोप सीखा, डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीखा, और हमने इक्वेशन सीखी, और किसी भी इक्वेशन अगर किसी के टेंजेंट हो, किसी के पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो तो उसकी इक्वेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, ये सब चीज़ें हमने सीख ली। अब बचा है हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है हमारे पास टाइप्स ऑफ इक्वेशन इन दिस चैप्टर, कहने का मतलब तीन तरह की हमें इक्वेशन सीखनी होती हैं, एक होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एक होती है इंटरसेप्ट फॉर्म, और एक होती है नॉर्मल फॉर्म। तो सिर्फ आज हम करेंगे उनकी सिर्फ नोटेशन लिखने का तरीका, उसका जो एग्जांपल होंगे उसके जो क्वेश्चन होंगे वो करेंगे अगली वीडियो में। तो चलते हैं हम तीन टाइप्स की इक्वेशंस की तरफ। अब आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ इक्वेशन। तो टाइप्स ऑफ इक्वेशन क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ इक्वेशन, तो इस चैप्टर में हमें तीन तरह की इक्वेशन सीखनी होंगी, एक दो और तीन। पहली होती है हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या होती है इंटरसेप्ट फॉर्म। दूसरी होती है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म, क्या होती है नॉर्मल फॉर्म। और तीसरी होती है हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इनका मतलब क्या होता है देखो, इंटरसेप्ट फॉर्म होती है हमारे पास जब हमारे पास इंटरसेप्ट गिवन हो। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई सिस्टम में हमारे पास कोई लाइन इस तरह जा रही हो तो इसको बोलते हैं कि वो एक्स एक्सिस के ऊपर कितने पे काट रही है, लगा लो ए जीरो पे काट रही है, मतलब यहाँ का इंटरसेप्ट क्या है और ये काट रही है हमारे पास जीरो और बी के ऊपर। तो एक्स इंटरसेप्ट कितना हुआ इसका ए और वाई इंटरसेप्ट कितना हुआ बी। तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि दो तरह के इंटरसेप्ट देखने को मिलते हैं, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि वो एक्स एक्सिस के ऊपर किस पॉइंट के ऊपर वो काट के जा रही है, और वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि वो वाई एक्सिस के ऊपर किस पॉइंट के ऊपर काट के जा रही है। तो हमने मान लिया कि इसका एक्स इंटरसेप्ट है ए और वाई इंटरसेप्ट है इसका बी। तो हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी कि एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी इज इक्वल टू वन। इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। ए और बी क्या होते हैं इसमें इंटरसेप्ट होते हैं, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को काट कर जाते हैं। जैसे हमारे पास ये लाइन थी, ये एक्स एक्सिस को ए पर काट कर गई, वाई एक्सिस को बी पर काट गई, तो इसको नाम देते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या नाम देते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। जब क्वेश्चन करेंगे तो अच्छी तरह क्लियर होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह, लेकिन उन क्वेश्चन जब भी समझ में आएंगे तब आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी, तो अभी मत लेफ्ट करके जाना, ये दो इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। ये थी हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म की तरफ, कहने का मतलब नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म का लिखने का तरीका होता है कि एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी, इज इक्वल टू पी। अब इस पी का मतलब क्या होता है कि पी होता है हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नॉर्मल फॉर्म मतलब नॉर्मल, जब हमारे पास किसी भी परपेंडिकुलर लाइन का आपस में क्या निकालना हो, इक्वेशन निकालनी हो, तो उसमें पी क्या होता है उनके बीच का डिस्टेंस गिवन मिलेगा हमें, और थीटा क्या होगा थीटा भी गिवन मिलेगा कि उन दोनों लाइनों के बीच का अगर एंगल निकालना हो तो वो एंगल क्या होगा, क्लियर है। और इसमें अगर जब उन वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी इक्वेशन निकल आएगी, और इसी जब ऐसी इक्वेशन होती है उसको नाम देते हैं हम उस इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म। आखिरी है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, ये थी ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है हमारे पास वाई इज इक्वल टू
एम एक्स प्लस सी। इस इक्वेशन में m तो क्या होता है हमारा स्लोप होता है लाइन का, और c क्या होता है, c होता है हमारा पास y इंटरसेप्ट। लगा लो आपको इस तरह की इक्वेशन गिवन हो, जैसे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 हो, तो इसमें स्लोप क्या होगी 2 और y इंटरसेप्ट क्या होगा 3। क्लियर, ये थी हमारे पास तीनों फॉर्म। लेकिन अगर अब हमारे पास क्या हो कि दो लाइन हो और वो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो, और उन दोनों लाइनों के बीच का एंगल निकालना का के लिए कहा जाए, तो कैसे निकालेंगे इन दोनों लाइनों का, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हो। लगा लो इस लाइन की स्लोप है हमारे पास m1, इस लाइन की स्लोप है m2, तो इन दोनों लाइनों के बीच का जो थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है कि tan थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। वीडियो के लास्ट में एक ऐसा फॉर्मूला बता कर जा रहा हूँ जो लगभग कोई नहीं बताएगा आपको, किसी भी लाइन के दो पैर इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है ये, और ये होती है हमारे पास तीनों की तीनों इक्वेशन जो इस चैप्टर में मिलेंगी। इन तीनों चैप्टरों के, इन तीनों इक्वेशन के ऊपर हमारे पास पूरी की पूरी एक वीडियो होगी, टेंशन ना लें, अगली वीडियो में मिलेंगे इसके क्वेश्चनों के साथ। तो अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना उसके शेयर करें, ताकि हर बच्चे तक स्ट्रेट लाइन का टॉपिक पहुँच सके। टर्म वन में आएगा हमारा स्ट्रेट लाइन, क्लियर है, तो टर्म वन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए।